अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी साहब, राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल साहब, श्री संदीप शर्मा जी, देवेंद्र तोमर, सुनीता गुप्ता, श्रीमती मृदुला जी, मेजर जनरल पी के सहगल साहब, मेघना जी, अंगद राज ग्रुप के राजा इकबाल जी, मेजर जनरल सिन्हा साहब, हमारे एसी मोर्चा के अध्यक्ष कोटवाल साहब, कई राज्यों से आए हुए ऑल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पत्रकार साथियों, डाइस पर बैठे अन्य गणमान्य सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि ऑल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस कई चीजों के लॉन्चिंग समारोह और डिजिटल अवार्ड समारोह में मुझे आने का मौका मिला। भारत का लोकतंत्र 54वां राष्ट्र टिका हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। लोग कहते हैं कि पांचवा खंबा सोशल मीडिया है, लेकिन डेमोक्रेसी 54वें राष्ट्र पर चलेगी। चारों खंभों का अनुपात ठीक रहना जरूरी है। जिस खंभे में भी घुन लग जाएगा लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। यूनियन का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी का विमोचन हुआ है। जैसा कमेंट्री में बताया जा रहा था कि जैसे गूगल मैप गोल करके पता चल जाता है, इसमें भी एनसीआर और दिल्ली के लगभग सभी पत्रकारों का नाम, नंबर और उनके बारे में पता चल जाएगा। विमोचन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये फोल्डर्स, ये खासतौर से मीडिया सॉन्ग की रचयिता मुद्रा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, उसको संगीतबद्ध जिन्होंने किया है, कुमार सानू और बाकी लोगों ने जो गायन किया है, अलका जी ने। अभी तक राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान तो सुने थे, लेकिन मीडिया का गीत मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कभी रोटरी क्लब के सुने, लॉयंस क्लब के भी सुने, बहुत अच्छा लिखा गया है और लिपिबद्ध भी अच्छा है, उसको संगीत और गायन भी जिन महानुभाव ने किया है उनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। जनरल साहब कह रहे थे कि राष्ट्र फिर सर्वोपरि होना चाहिए, उसमें मैं थोड़ा सा जनहित और समाज हित भी जुड़ना चाहूंगा। जैसे हमारी पार्टी का है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और इंडिविजुअल थर्ड। वो उल्टा है, इंडिविजुअल फर्स्ट हो जाता है, जनरल सेकेंड हो जाती है और नेशन थर्ड हो जाता है। इस दशक का मीडिया का सबसे आवश्यक और लोकप्रिय सब्जेक्ट ही आपकी, आदमी को सांप ने काटा कोई न्यूज नहीं है आपके लिए, जबकि वो आपकी मर्द है। लेकिन सांप को कोई आदमी चबा रहा है तो
जीवन का दाती से भी दिखाने का था। उसमें आपकी गलती नहीं है, आप सब कुछ नहीं है अपनी मीडिया और अपने चैनल और अपने अखबार में। आपके ऊपर एक हीरो चीफ होता है और हीरो चीफ के ऊपर जो ऑल इंडिया का आपका होता होगा संपादक वो, और लास्ट में मालिक। कई बार मालिक इन सबों को नहीं देखना पड़ता है। हमारी और आपकी नंद भवि की लड़ाई है। रहेंगे भी साथ और लड़ेंगे भी साथ, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। सुबह अखबार उठाते हैं, संपादकीय क्या लिखा है इसका बरसों से कोई रिश्ता नहीं है। जब सिविल की तैयारी कर रहे थे तो संपादकीय पढ़ते थे, आजकल देखते हैं कि कॉन्फिडेंसी में क्या घटना है। उसके बावजूद जो कदम दहाड़े हैं वो कुछ कहीं छपा वपा है या नहीं, छपा है तो कितना छपा है, नहीं छपा तो क्यों नहीं छपा, और छपा तो केवल 3 कॉलम में छपा। फोटो में हमारी कान भर दिखाई पड़ा है, जरूर आपने राजनीति कर दी है। आप संतुष्ट हो सकते हैं हम लोगों से, लेकिन हम लोग कभी आपसे संतुष्ट नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव की अगर डेथ वहां होती है तो मोहल्ले का कार्यकर्ता एक फर्जी शोक सभा कर लेता है कागजों पर, फिर वो आपके अखबार में जाता है और पूरी उम्मीद करता है कि जैसे जैसे उसने कम ऑफ लिस्ट जो लिखा है एज इट इज सुबह छपना चाहिए। मैं विश्व कप केवल हिंदुस्तान के लिए, विश्व कप पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसका मीडिया पर खर्चा 00 है। ऐसा नहीं है कि आपके सम्मेलन में आराम तो कह रहा हूं, ये बात मैं हो सकता है पार्टी वर्कर के बीच में ना कहता हूं। आगरा के लोग जो आए हैं वो जानते हैं, जो कहते हैं राजनीति पे आओ तो एक बड़ा बजट आपके लिए होना चाहिए और चुनाव में तो खासतौर से होना चाहिए। मैं शायद पहला राजनीतिक कार्यकर्ता हूं जिसने स्वयं कभी विज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन मैं समदर्शी हूं, तो किसी अखबार और किसी चैनल को नहीं कहता, थोड़ी ईमानदार और गरीब हमारे यहां भी बीपीएल के एमपी होते हैं, उनका भी दर्द कभी समझने की कोशिश करें। सपोज मैं आगरा का एमपी हूं, नए साल की आपको देना पड़ेगी, फिर होली का, फिर दिवाली का, फिर दशहरे का, भारतीय जनता पार्टी में हूं तो दीनदयाल जी के जन्मदिन वाला, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर श्याम प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर, श्याम प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर विज्ञापन की बात करूं, अटल जी के जन्मदिन पर, अटल जी की पुण्यतिथि पर, सरकार के पहला साल होने पर, फिर सरकार के दूसरा साल होने पर, फिर सरकार के तीसरा साल, फिर चौथा साल, फिर पांचवा साल, फिर मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर, उप मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन पर, कभी राष्ट्रपति जी आते हैं उनके प्रथम आगमन पर, तो ये प्रथम प्रथम में 100 बार हो जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है तो 10,000 से कम का कोई छपी भी विज्ञापन नहीं होता होगा जो दिख सके। 5 भी अखबार मान लो तो 50,000 रुपए, और ऐसे 15 इवेंट्स साल भर में होते हैं। कुछ लोग तो अति उत्साही मुहर्रम की भी मुबारकबाद दे देते हैं, अगर आप दूसरे दल में हैं तो उस दल के महापुरुष, उस दल की पार्टी का नेता
उसके कई पार्टी के पूर्वजों की जन्मतिथि जन्म और ये भी कभी समझना चाहिए। ये दर्द कभी किसी ने महसूस नहीं किया। चार पांच ही अपवाद को मान लो तो ऐसी ये 20 अवसर आते हैं, तो ये 30-40 लाख रुपए साल का खर्चा होता है। इसलिए मैंने तय किया है कि कभी जीवन में होर्डिंग नहीं लगाऊंगा, वॉल पेंटिंग नहीं करता हूं। नए साल पर माफ करना, ये कोई एरोगेंसी नहीं है, इससे ताली वाले मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं 6 बार चुनाव जीता हूं। लोकसभा भी देख ली है, राज्यसभा भी देख ली है, विधानसभा भी देख ली है, बड़े सूबे का कैबिनेट मंत्री भी रह लिया और बड़े देश में MOS भी हूँ, खासतौर से जहाँ बहुमत बहुत गवर्नमेंट ये बड़ा जब हो। इसलिए नवागंतुक तमाम राजनीतिकों को कहना चाहूंगा, ऐसा बजट बजट ना होने की स्थिति में डर के हमारे पॉलिटिक्स में ना हो, तो मैं कह रहा हूँ आओ। आप अगर 2 कदम सही चलेंगे तो पत्रकार लोग 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ड्राइंग रूम में बैठ के कोई रेस्टोर बनाया जाता है फिर उम्मीद की जाती है, तो उम्मीद बेईमानी है। आपके ऊपर भी आपके बॉस लोग हैं, अखबार का अपना बिना विज्ञापन के चल नहीं सकता, चैनल्स भी नहीं चल सकती। इसके कोरोना टाइम में कई प्रकार की परेशानियों से आप गुजरे। मैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में जितना पुलिस को, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को जितना महत्वपूर्ण मानता हूं, उतना आपको उतना ही मानता हूं। मेरी जानकारी में 300 लोग मैं शहीद करूंगा। जनरल साहब आप 62-63-71 कारगिल लड़े होंगे, ज्यादातर हम बॉर्डर पे ही लड़े हैं, कभी कभी थोड़ा घुसते हैं। लेकिन जो ये कोरोना वॉरियर्स है ये टोटल दुश्मन के अंदर घुस के रहते हैं, क्योंकि कोई नो मैन्स लैंड नहीं है, मैकमोन लाइन भी नहीं है, रेड क्लिफ भी नहीं है, जंगल राज है ये किसी का कहते हैं, तो उस जंगल राज वाली घटना को मौके से दिखाना पड़ता है। रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो बयान लेना पड़ता है, घटना स्थल से लेना पड़ता है, अस्पताल के सामने से। अगर कोई ऑक्सीजन की बात है, रही वेंटिलेटर की बात हुई, बेड की बात हुई, रेमडेसिविर की बात हुई, जाना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। वर्का जी ने कवरेज की थी कारगिल वॉर की, बड़ी फेमस हुई, खतरा था, इसलिए जान जोखिम में डाली। तो ये भी जान जोखिम में डालकर ही न्यूज निकाल करके लाए। गुड वर्क है तो मौके पर जाना पड़ता है तारीफ करने के लिए, और अगर बैड वर्क है तो भी जाना पड़ता है। हमसे ज्यादा कंपटीशन पॉलिटिक्स से ज्यादा आपका है, इसलिए बड़ी बड़ी चैनल को ठोक ठोक के कहना पड़ता है। पहली बार जैसे हम कहते हैं हमारी सरकार में पहली बार शौचालय बने, पहली बार 12 रुपए का बीमा हुआ, पहली बार 330 का बीमा हुआ, पहली बार आयुष्मान मिला, पहली बार किसान सम्मान निधि मिले, आपको भी कहना पड़ता है। इस चैनल पहली बार दिखा रही है और नहीं दिखा पाते हैं तो भी कहते हैं जैसा हमने बताया था वो जाके आज पूरा। कोई एक्सीडेंट होता हम नहीं पहुंचेंगे तो दूसरी पार्टी पहुंच जाएगी, वो दंगल लूट ले जाएगी, ये हमारे और आपकी बीच की सिमिलरिटी है, आप ये पहुंचोगे तो दूसरा दिखा देगा, तो फिर आपकी भी खिंचाई होगी। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि इंजीनियर्स वालों की जान आपके साथ है, आपकी न्यूज के बाद उन्हें पता चलता है, उसके बाद वो डिटेल कर लेते हैं, हो सकता है वो स्टाफ की कमी है। जिन लोगों को आज अवार्ड मिल रहा है
मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। बस एक जो बात लोग कहते हैं कि वो दो शब्द लिखते हैं और उम्र भर जाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं और एक उम्र दे जाते हैं। का मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है। दिमाग शातिर होता है, दिल बहुत इनोसेंट होता है। मुझे शेर याद आ रहा है जो बहुत फिट होता है, जो ख्याल था मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो जुबान थी वो कटी हुई, जो कलम था वो बिका हुआ। मन आपका कुछ कहता है, कलम कुछ कहती है, नौकरी कुछ कहती है। एक सिक्योरिटी कुछ कहती है, नौकरी की गारंटी कुछ कहती है। ये सारी मजबूरियां हैं। मेरी एक हल्की सी इंतजार रहती है आपसे, चेहरे पर धूल है तो जरूर दिखाओ, लेकिन आईने पर धूल है तो वो जबरदस्ती छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरा बस इतना हल्का सा आपसे मतभेद है। बहुत कम नेता इस पत्रकारों के बीच में कह पाएंगे, जो आगरा के लोग बैठे हैं वो नए साल पर एक कलम और डायरी के लिए भी तरस रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक जीवन का सिद्धांत है कि मैं 5 गांव का दौरा रोज करता हूं। यहाँ कोई 5 सितारा होटल की कोई वैसी सेमिनार होगी तो मैं नहीं आता। आप भी हमारी विधा के लोग हैं, डेमोक्रेसी का एक पिलर। मैं 4 बार MP रह के अब तो 6वां कार्यकाल है, बीच में ये 5वां है, बीच में मिनिस्टर रह गया। मैं 23 रात दिल्ली में रुका हूँ, मुझे आज भी नहीं पता है ग्रेटर कैलाश कहाँ पे। परसों ही किसी मित्र ने कहा कि डिनर पे आना, मैंने कहा कहाँ रहते हो, बोले जीके, मैंने कहा कहाँ है, बोले जो कब 10 इंच ये मेरा 8 करोड़ का मकान है, आपको पता ही नहीं है जीके कहाँ। मुझे नहीं पता, मुझे नई दिल्ली स्टेशन पता है, वहाँ से अपना घर पता है, वहाँ से पार्लियामेंट पता है, पार्लियामेंट से सीधे स्टेशन पता है, तो स्टेशन से कॉन्स्टिट्यूंसी पता है। कोशिश करिए कि कोई शादी ब्याह तेरहवीं भागवत कथा रसिया जंगल का पानी कुआ पूजन एकादशी का व्रत का अध्यापन, कोशिश करता हूँ कि भैंस के मरने पे भी जाऊँ। इसलिए जो चुनाव आ रहा हूँ वो अखिलेश और उसकी पत्नी से आ रहा हूँ, उसकी कमी मांगने का शौक। और उसमें भी शौकी कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी एक नाम थे, वो जीवन का सबसे आसान चुनाव था जो मैं हार गया, लेकिन उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक हो गया, उसमें मस्जिद और मंदिर एक हो गया, उसमें कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक हो गए, वो मुझे चुनाव हार गया। अभी बात हो रही है जनरल साहब लोग बैठे हैं, BMS के हाथों ये है तो एक बात की तो उम्मीद होती है कि अगर आप BMS से अफिलेटेड संस्था हैं तो एक बात की गारंटी है, बाकी कोई ना हो, कि आप राष्ट्रवादी हो। बात की सबसे ज्यादा कमी है साम्राज्यवाद है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, फांसीवाद है, बस तो राष्ट्रवाद की। मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था तो आखिरी वाक्य आप कहते हैं, मंत्री नहीं होता तो मैं भी कहता। जैसे लॉ एंड जस्टिस पर हम तो बात को नहीं उनके बोलना पड़ता है। ऐसे खतरे हम भी देख रहे हैं, वो एक अनुपात बिगड़ता है, वही अनुपात गिरते हुए भूजल स्तर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से उतना खतरा नहीं जितना वो खतरा है, लोग अभी भी बताते हैं। आप सब लोग समझ आ रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये राष्ट्रवाद से
जिन लोगों को अवार्ड मिलेगा उनको पहले से मुबारकबाद दिया था, एक शौर की मोमेंटो होगा और कुछ हो सकता है, उसका मूल्य नहीं है, उसका बड़ा जीवन पर प्रभाव पड़ता है। 11 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लिया, ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता। इनाम के तौर पर लक्ष्मणा साधु की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली। उसको लेकर दूसरे दिन अपने पूरे पे अपने भाई के साथ जब मैं नहाया तो उसकी खुशबू से मैं आस्तिक में आया वो मेरी उसको अर्पित की। उसके बाद दुनिया के बेहतरीन साबुन लगाए, चाहे वो कैमे हो, मैं स्टैंडर हो, मैं स्पेक्टर हो, लेवेंडर हो, वो खुशबू आम ही नहीं, क्योंकि उस साबुन की छोटी सी टिक्की ने 11 साल की उम्र में स्टेज का फोबिया दूर कर दिया, पैरों की कपकपाहट दूर कर दी और ये माइक का डर दूर कर दिया। इसलिए पहली लोकसभा का चुनाव लड़ने आया तो भीड़ देख के डर, और सबसे ज्यादा तो पैर कपकपाने चाहिए आपके सामने। आम जनता में जो 4-6 लोग आप होते हो तो आपको देख के हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं, तो यहाँ तो जनता है ही नहीं आपकी, आपको पोस्टमार्टम आपसे अच्छा डॉक्टर नहीं कर सकता। क्या कह रहे थे, क्या कहलवा दिया गया, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, इसका अर्थ निकाला गया। कट पेस्ट से भी गुजरते हैं हम लोग, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में ज्यादा अच्छा है नॉन रिलीजियस ग्रुप। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही ये माइक आते हैं आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं या फिर करियर ब्रेकिंग न्यूज भी हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। आज से आप जो यहाँ का जो डिजिटल का योग है प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया को आप मजबूत कर रहे हैं। मुझे याद है आगरा के लोगों को याद होगा कि जाते थे पुलिस में तो लकड़ी के पेपर वेट लकड़ी के टुकड़े होते थे, एक बड़ा क्लियर का कागज होता था, जागरण मुजाला हिंदुस्तान बाद में आया, आज अखबार होता था, एक बार हम अपना टेस्ट नोट श्री बघेल ने बताया खुद लिखते ले जाते थे, वहां पर देने जाते थे तो मुझे लगता है कि 4 पत्रकारों के बीच में एक सीलिंग पंखा होता था, कंप्यूटर होता नहीं था, अपने हाथ से लिखा करते थे। मैं ऐसे में याद करूंगा कि अमर उजाला एक बड़ा अखबार है, अमर उजाला अखबार थी, उसके संस्थापक मुझे बताया गया कि वो लिखते थे, कंपोज करते थे, और छापते थे, तो साइकिल पर 22 किलोमीटर टूमला जाकर के फुटपाथ में जाते थे। उनके समय राजनीति नहीं की, लेकिन उनके दाह संस्कार भी मैं श्री कृष्ण के साथ गया था, तो शरीर को उनका मौका मिला। शुरुआत अच्छी होती है, मैनेजमेंट ठीक होता है तो हर छोटा अखबार बड़े अखबार को कन्वर्ट होता है। कुछ यहाँ भी विदेशी खतरे में महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि सबसे पहले अखबार जो मार्टन था उसके 1826-30 में को उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में छापने की हिम्मत थी। आजादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, पत्रकारों को याद करना पड़ेगा। हमारे बचपन में पत्रकार की भूमिका किसी अखबार में होती थी, सॉरी फिल्म में, तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई होती थी जैसे अटल जी की है, वो एक कुर्ता और पजामा खादी का पहना करता था, साइड में उसके एक झूला लटका रहता था और कोल्हापुरी चप्पल वो पहने होता था, सिगरेट भी पिया करता था। ऐसी पत्रकार की, ईमानदार पत्रकार की एक छवि देखा करते थे, तो देखा करते थे गुंडा पुलिस में आग लगाया होता है या कोई बड़ा नेता उसको परेशान करता है, नेता परेशान करता है या आप नेता को परेशान करते हैं या आप देखते हैं। मैंने कहा ना हमारा आपका निर्णय का हिस्सा है, जब
जब तक सृष्टि रहेगी हम लड़ेंगे भी और प्यार से रहेंगे भी। आप सबका बहुत बहुत आभार मैं और मेरा विभाग आपकी बहबूदी के लिए कुछ कर सके तो मुझे खुशी होगी। इस कोरोना पीरियड में बहुत सी नौकरियाँ गई हैं, सब कैसे चैनल बंद हुई हैं, बेरोजगार हुए हैं और इस काम को करने के बाद फिर आपसे दूसरा काम नहीं होगा। ये भी एक इलेक्शन है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सुविधा को चुना, अगर नहीं चुनते तो यूपीएससी भी पढ़ी नहीं कर सकते। ये उनका पैशन था। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये लोग उन्नति करें। ये बहुत हमारे और आपके बीच में समानता है। मैं भी 6 काल 3 दिनों से उठ आया हूँ, आपको भी जब देखता हूँ तो किसी चैनल में अभी का पूछता हूँ तो किसी चैनल हमारे को तो आप दल बदल कहते हो अपने को, नहीं कहते थे। मैं जब आया था तो सुधीर भाई सहारा में थे, मैंने भी पहले कार्यकाल से 6 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन उस समय जो शुरुआत कर रहे थे वो चैनल के मालिक सो गए हैं या देशभर की पैसा दोनों लोगों ने ठीक से उन्नति की है। अंत में आप सबको बधाई देते हुए काम करते हुए वंडरफुल ऑडियंस को मुझे